आप ये जो 20 रुपए का नोट देके गए, ये देखिए टेप लगा हुआ है इस पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, और भाई जो भी कर रहे होंगे वो मस्त कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों राइड इंटरेस्टिंग होने वाली है, आज की राइड। तो चलो मिलते हैं आपसे फिर राइड पे। हे गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों ये सूरज की किरणें पड़ चुकी है भाई धरती पे। हाँ, सूरज उग चुका है। इससे पहले हमने 2 राइड मारनी थी, आज भाई हम 5:30 बजे आ गए थे भाई। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही ओला उबर के रिगार्डिंग हम वीडियोस लाते रहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। तो चलते हैं भाई इनकी पिकअप पर। 850 मीटर इनका पिकअप है, और छोड़ना इनको शायद 7 या 8 किलोमीटर ऐसे कुछ है। विद्याधर नगर जाएंगे ये। और भाई सुबह सुबह की आज राइड मारी मैंने, 5:30 बजे मैं पिक कर लिया था कस्टमर भैया को। हमने भैया जी से दूसरी भी हमने ड्रॉप की, वो भी भैया जी की थी भाई। नाइट में चलाया, नाइट का बताते हैं कि भाई चार्ज अच्छा मिलता है, 10 रुपये किलोमीटर का मिलता है भाई। मैं 16 किलोमीटर की लाया, उसका मुझे पेमेंट मिला 7 रुपये 93 पैसे। और एक छोटी राइड मारी फिर मैंने 3.5 किलोमीटर की, उसके दिए ओला ने हमें 36 रुपये। तो भाई छोटी राइड के तो दिन में भी वैसे 10 रुपये दे देती है ओला, पर भाई बड़ी राइड में भी तो जैसे 16 किलोमीटर की थी तो 160 रुपये तो बनने चाहिए थे ना हमारे कस्टमर भैया के, तो कमी आए थे 117 रुपये। चलो उनके लिए तो बढ़िया है, उनके लिए फ़ायदा है, पर हमें तो भाई जो 160 रुपये मिलने चाहिए थे वो तो मिलते ना भाई। पर कोई नहीं भाई, तरण में पैसे पर किलोमीटर के एक्स्ट्रा मिल गए। और यही दिन की होती ना भाई 6 रुपये की दिखाती हो ओला में। ये सीन है कि आप जितनी लंबी राइड लोगे उतना कम पैसा आपको मिलेगा दोस्तों। तो सुबह सुबह की ये हल्की हल्की सी पहले ठंड लगी भाई मुझे, तो मेरे बैग में स्वेटर था भाई, वो स्वेटर मुझे निकालना पड़ा भाई। मैंने कि यार अगर ये थोड़ी थोड़ी सी सर्दी लगेगी तो तबीयत नरम हो जाएगी भाई, और फिर वैसे भी अभी नरम ही चलती है कभी कभार तबीयत। तो मैं खाली खाली क्या वेज दो दो तीन तीन दिन का रेस्ट करना पड़ता है, उससे बढ़िया ना स्वेटर पहन ले। और ये भैया कहाँ खड़े हैं, सामने ही है क्या शायद, क्या पता। चलो कॉल करते हैं इनको भाई। ये लीजिए दोस्तों, भैया जी को हमने ड्रॉप कर दिया, भैया जी अच्छे थे, कन्वर्ट बढ़िया किया लास्ट तक आते आते। ये लो जी दोस्तों, ऊबर में राइड आ चुकी है, समय हो चुका है 8:36 भाई। ओला ऊबर जो मिल रही है रैपिडो को हमने फिर से चलाना बंद कर दिया। अरे भाई अभी 800 जब मैंने एक्सेप्ट की थी भाई ये राइड थी 800 मीटर की, और अब हो चुकी है भाई 1 किलोमीटर पिकअप इसका। ये काम तो गलत है भाई, 800 मीटर ही है भाई ये घूम घाम के बता रहा है, क्योंकि ये रास्ता है जो थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, उस वजह से ये घूम घाम के बता रहा है दोस्तों। तो भाई पेट्रोल भी बढ़ने वाला है, कच्चे तेल के भाव महंगे हो चुके हैं, और पेट्रोल अब आसमान छूने वाला है, पता नहीं अब कितना जाएगा भाई, पहले ही लगे पड़े हमारे तो। और ये फिर बढ़ने को तैयार है पेट्रोल, क्योंकि भाई जो 70-75 रुपये लीटर के तेल में जो हमारी रेट चल रही थी ना भाई 7 रुपये किलोमीटर, वही आज 107 रुपये पेट्रोल है तब भी वही रेट है। जब अब की बात ये है कि इंसेंटिव भी घटिया हो गया और पेमेंट भी अब हमें वैसा नहीं मिल पा रहा है, पहले चाहे छोटी राइड हो चाहे बड़ी राइड हो डे में 7 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मिल जाते थे, और इंसेंटिव भाई इतना अच्छा मिलता था जिसका क्या बताऊं मैं आपको। तो अब तो सारा ही काम खराब हो चुका है, पेट्रोल भी बढ़ चुका है, रेट भी घट चुकी है, और इंसेंटिव भी खराब हो चुका है। मतलब ये है कि भाई लूटा जा रहा है, लूटा जा रहा है हम लोगों को यार।
बस मजदूरी करवाई जा रही है हमसे, उस मजदूरी के पैसे भी नहीं दिए जाते भाई। पर कोई नहीं भाई, अभी तो बढ़ेगा तब बढ़ जाएगा। अभी कस्टमर भाइयों को तो ड्रॉप किया ही जाएगा भाई, कंपनी रहती नहीं दे रही तो क्या हुआ, ऐसा थोड़े ना है भाई। कस्टमर भैया को भी नहीं लिया जाए उनसे या फिर ज़्यादा की मांग किया जाए भाई, ऐसा नहीं होगा। हम जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम निभाएंगे ज़रूर भाई, चाहे हमको कम आए चाहे ज़्यादा आए। यार ये किसकी राइड थी, नाम तो देखा नहीं, पर लड़की की राइड थी शायद, ये शायद नहीं भाई लड़की की राइड थी। और इनकी पिकअप पर आ गए हैं, कॉल ही कर लेते हैं भाई इनको पहले। ये लो जी दोस्तों, कनिष्का जी को हमने ड्रॉप कर दिया है, 53 की इनकी अर्निंग बनी है, 8 किलोमीटर की राइड थी। तो ये दोस्तों उबेर में राइड थी और ये कनिष्का जी की थी, 5 मिनट इन्होंने वेट करा दिए, 5-7 मिनट से तो ज्यादा ही करा दिया था भाई। आप ये 20 रुपए का नोट देखे गए, वो फटा हुआ था। आप ये जो 20 रुपए का नोट देखे गए, ये देखिए लगा हुआ है, क्या पता ये किसने दिया है, आपने देखा नहीं, मैंने देख लिया। दोस्तों हम आ चुके हैं WTB के पास और भाई यहाँ मॉर्निंग में कोई राइड नहीं मिलती है यार। WTP है यहाँ, मॉर्निंग में आने वाला ही मिलता है, जाने वाला कोई नहीं मिलता। ये देखिए दोस्तों JCB और भाई कितनी बढ़िया है यार। ये सामने है हमारे WTP और साइड में हमारे GP। तो भाई यहाँ सुबह सुबह लोग घूमने के लिए आते हैं और शाम को निकलते हैं, तो यहाँ पे कोई भी राइड नहीं मिलेगी। तो यहाँ से अब खाली निकलना पड़ेगा, हमारा घर है 6.5 किलोमीटर, ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा पास भी नहीं है। 6.5 किलोमीटर के आप मान लो कितना पेट्रोल चलेगा हमारा, मतलब 15 रुपये के अंदर अंदर हमारा पेट्रोल वेस्ट करना पड़ेगा जब हम घर पहुँच पाएंगे। तो आज दोस्तों ऐसे ही राइड का मज़ा आता रहा, पर भाई एक काम ख़राब हो गया, हमने 3 राइडें मारी थी तब हमें लगा कि भाई हमारा मोबाइल चालू है, वो राइड बैक टू बैक मिली। और भाई हमें बाद में जब उसको देखा तो भाई लॉल हो गया, वो बंद पड़ा था और हमें लगा कि वो चालू है। हम बक 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 करते चलते रह गए और वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। उस बीच में भाई एक तो हमने पैकेज ड्रॉप किया और जो था भाई 20 किलोमीटर का, और उसमें हम एक भैया को भी हम दिल्ली बाईपास पे जब हम चढ़ चुके थे तो हमारे पास में पार्सल था, छोटा सा ही था वो और जगह भी हमारे पास में थी बैठने के लिए, तो एक भैया को हमने बैठा लिया भाई। 10 किलोमीटर उनको ड्रॉप किया विदाउट पेमेंट के, उनसे कोई पेमेंट नहीं लिया मैंने, उनको फ्री में ड्रॉप किया क्योंकि वो भाई वो स्टूडेंट है भाई। तो मैं खाली जा रहा ही था और बाईपास पे चढ़ चुका था तो भाई कोई राइड नहीं थी, राइड तो मैं मारता अगर मिल जाती तो, पर जब खाली जा रहा था तो भाई उनको पिक करना पड़ गया मुझे, पड़ गया मतलब मैंने देखा भाई स्टूडेंट है भाई, इनको पिकअप कर लिया, पिकअप क्या है वो रास्ते में ही हमको मिल गए थे। तो भाई उनको हमने बैठा लिया बाइक पे भाई, 10 किलोमीटर ड्रॉप किया हमने उनको और थोड़ी बढ़िया कन्वर्स भी की। और भाई मुझे लगा कि भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है भाई, इतना गंदा सीन हो गया उन भैया का, शायद मेरे हिसाब से कमेंट भी आएगा क्योंकि उन्होंने कहा था भैया वीडियो आएगा ना तो मैं ज़रूर क्या कहते हैं उनको वीडियो को ज़रूर देखूंगा मैं, उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हालांकि। और मैं फिर उनको ड्रॉप करके निकल गया, फिर पैकेज ड्रॉप किया और फिर उसके मतलब बैक टू बैक वो राइड आती रही तो मैं चलता रहा, देखा नहीं उसको मोबाइल को। तो भाई बाद में जब देखा तो पता चला भाई मेरा मोबाइल बंद पड़ा है, मेरे तो लग गए भाई उसी टाइम। मैंने कि यार इतनी मेहनत की, इतना धूप तपे और
कोई मतलब नहीं निकला। तो अब गोपालपुरा मोड़ के पास आ चुके हैं भाई। अब यहाँ से हमारा घर रह जाता है 4.5 किलोमीटर, मात्र 4.5 किलोमीटर रह जाता है भाई, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो भाई इसे इधर उधर घूमने से बढ़िया है, गोटू भी मैं डाल लेता, पर भाई राइड कभी इधर की कभी उधर की ले जा के पहुँचाती। और टाइम हो चुका है भाई 11, तो और धूप पड़ने लगी है तेज़। तो भाई गर्मियों की सी अब धूप चालू हो गई है, तो ये धूप सही नहीं जाती, तो इससे बढ़िया हम घर ही निकल रहे हैं। अब इधर उधर की राइड मारने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर पसंद आया हो तो भाई ज़रूर लाइक कीजिएगा, और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही ओला उबर के रिगार्डिंग्स मैं वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।